कम रखना, दरवाजा बंद कर रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सामेईन की खिदमत में सलाम पेश कियो। और सामेईन, जिस तरह के तुम जाने के रमजान को महीनो अख्तिताम पर है और बहुत जल्द ईद आने वाली है। रमजान को महीनो बहुत बाबरकत महीनो थो और इसमें हर किसी ने अपनी कोशिश के मुताबिक इबादत करने की कोशिश की। और जिस तरह तुम जाने के हमने क्लब हाउस पर रमज़ान नशरियात का नातों सोच विचार सिलसिला के तहत प्रोग्राम शुरू किया, उसमें हमने उलमा कराम ते मुख्तलिफ मौजूदात पर लेक्चर्स करवाया और महफिल नात भी करवाई। इस महीना में हमारी या दूजी महफिल नात है, तो इसमें हम जो है हम कोशिश करा गोजरी में जो बयानात हुए नात शरीफ हैं भी ज़्यादा तो ज़्यादा रिकॉर्ड हुए और हमारा हमारी कौम में जितना टैलेंट है वो भी सामने आवे। तो इसके नाल नाल जी हमारी कौम कबीलो है, इसके नाल जी हमारी गोजरी जबान है, इसमें जो इस्लामी मवाद भी जमा हो सके उसको ऑडियो और वीडियो सूरत में हमने यह कोशिश की है। तो सामीन बखूबी जाने कि हम इस कोशिश में पिछला 10 महीना तो लगा हुआ और लगा फजलो करम नाल हमने कोई भी हफ्तों मिस नहीं कियो। और इसमें हमारी टीम को बड़ो तावन है और इसके नाल नाल सामीन को तावन तो बगैर तो कोई भी प्रोग्राम नहीं मुकम्मल हो सकते। तो तमाम सामीन को शुक्र गुजार पूरी टीम की तरफ शुक्रिया अदा करा। तो आज जिस तरह के तम जाने के महफिल नात है और हमने बहुत अच्छी नात हुआ हजरात मेल मेंबर और फीमेल मेंबर दोनों ने मौको दिता है कि मैं अपनी आवाज़ में नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर गया, अपनी तरफों नजराना अकीदत पेश करें। इस प्रोग्राम को आगाज तमनो पतो है कि यो प्रोग्राम जो है गोजरी जबान में हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हमने जो है कैद नहीं रखी है। इसमें नात खास तौर पर नात पढ़ने को जो मामलो है इसमें किसी भी जबान में नात पढ़ने की हमने इजाज़त दी है। और जो हमारा जितना भी आज नात हुआ हजरात हमारे नाल शामिल हैं तो उन्होंने या आज़ादी रहेगी या लिबर्टी रहेगी कि तुम चाहे उर्दू जबान में पढ़ो चाहे गोजरी में पढ़ो। तो लेकिन पहली नात हम इंशाल्लाह गोजरी नात ते आगाज़ करांगा। और उस तो पहले हमारी टीम मेंबर मोहतरमा निकत चौधरी साहिबा हैं, तो मैं आज नात पाक पढ़न की अहमियत ते फजीलत बारे मुख्तसर 2-3 मिनट में इब्तदाई पेश करेंगी। मेरी गुजारिश है निगत चौधरी साहिबा ते हैं कि वे नात की फजीलत बारे जरा चंद कलमात पेश करें, उसके बाद बाकायदा हमारी टीम मेंबर नसीम अख्तर साहिबा निज़ामत का फ़राज संभालेंगी और जितने भी नात खां हजरात पेश होएगा उन्होंने बारी बारी मौको दिता जाएगा। मेरी गुजारिश है निगत चौधरी साहिबा ते कि वे अपना माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। अर्ज करते चलूं कि नात शायरी की वा आला ते अरफा सिंफ है जिसमा सरवरे कौनैन सरकारे दो आलम नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस अपनी मोहब्बत को इजहार कियो जाए, उनके तई अपनी अकीदत को इजहार कियो जाए और सरवरे कौनैन बशरी
सिफात को आला नमूनो है। और नातिया शायरी में उनका अखलाके हसना, उनकी सीरते तैयबा और उनका मौजसात, उनका कमालात और उनकी करामात को इजहार किया। नात वह सिंफ है जड़ी मुबालगा तो पाक। और यह भी एक हकीकत है कि इसके अंदर गैर मोहतात अंदाज जो है वो गुस्ताखी मने जाए। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपनी मोहब्बत को इजहार करना, उनकी सिफात न बयान करना, उनका कमालात न बयान करना, उनकी ज़ाते अकदस का तमाम तर पहलू ना नज़्म का इस अंदाज में बयान करना नातिया शायरी कहवे। हालांकि यो एक आसान फन नहीं, मुश्किल तरीन फन है, लेकिन जिन जिन का दिल में मोहब्बत है, अकीदत है, वे ये चीज जहन लियामे समझे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हें तौफीक दी थी वे जरूर अपनी इस मोहब्बत को इजहार करें। और इस इजहार के अंदर तमाम तर शायरी जिनके अंदर मुबालगा आरई हो सके, बढ़ चढ़ के गल कही जा सके, लेकिन नातिया शायरी में जितने जी जान लागे गल कही जा सके, अपने जज्बों को इजहार किया जा सके, ताम ही लगे कि अले कुछ काट है। इस जिमन में मुबारक का मुस्तहिक के वे तमाम शोरा, वे तमाम अशखास के जिन ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तौफीक दी थी कि उनने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार किया है। और नाल नाल वे तमाम खूबसूरत आवाज मुबारक की मुस्तहिक हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक बहुत बड़ी अनायत है उन पर कि वे नातिया शायरी ना अपनी खूबसूरत आवाज दे गए दूजा तक पहुंचा रहे हैं। काय शायरी सिर्फ वक्त गुजारी वास्ते वे सुनी जाए, काय मौसीकी जड़ी वे बस दिल बहलावा वास्ते वे, लेकिन जिस हद तक नातिया शायरी को ताल्लुक है वह रूह की तस्कीन वास्ते है, वह दिल की पाकिजगी वास्ते है सुनी जाए। नात को एक एक शेर जिसल कोई भी मुत्रिम अपनी खूबसूरत आवाज में बोल रहे हुए वो सुन आला के अंदर अगर वो इश्क है, वो मोहब्बत है, वो जज्बो है, तो उस ना झंझोड़ का जरूर जगावे। है मारा वास्ते ये खुशबख्ती की गल है कि नात चाहे वह गोजरी जुबान में वह या उर्दू जुबान में, कि अपना प्यारा हबीब गताई मारा जज्बा साफ सुथरा है, निच्छा नेश है और उच्चा है। इत दिखावो नहीं हो सकता नातिया शायरी के अंदर। और वे तमाम नातवा जरा आज का हमारा इस प्रोग्राम में हिस्सों है, सब मुबारक का मुस्तहिक है कि रमजानुल मुबारक का इस बबरकत महीना के अंदर जित तुम्हारा हर बेहतर काम को जो सवाब है वो 70 गुना हो जाए। और जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यारा हबीब की मदह सराई रहेगी तो जाहिर है इसको जो सवाब है वो भी 70 गुना और बढ़ेगा। हर ब महफिल हर ब मकाम जित भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यारा हबीब को जिक्र है, उनका तई मोहब्बत को इजहार है, अकीदत को इजहार है, ते वह महफिल जड़ी है वह बबरकत महफिल है। और सलाम ऐसी महफिल पर कि जिस महफिल के अंदर नबी अकदस की जाते बबरकत जड़ी है, उनका तई मोहब्बत को अकीदत को इजहार है। नातिया शायरी की तमाम तर अगर खसूसियात में या उसका तई जज्बात लगाव है वो बयान हुकूं कि मेरी भी कम इलमी है और मेरे अंदर भी ये इतनी ताकत नहीं है कि मैं बयान करूं, लेकिन इस महफिल को हिस्सों बन पर अपनी खुशबख्ती पर फख्र जरूर है। और तुम सब ना इस खुशबख्ती पर मुबारकबाद पेश करूं। जितना भी हमारा सामीन है प्रोग्राम के नाल मुंसलिक हैं, आज का हमारा प्रोग्राम के शामिल ना थवाएं, सबाना इस बबरकत महफिल को हिस्सों बनवर मुच मुच मुबारकबाद पेश करो। जी।
બહોત શુક્રિયો નિગમબાજી, તમને આપના ખૂબસૂરત ખ્યાલાત સંગ નવાજ્યો, બેશક થારી સબ ગલ બજા થી બહોત શુક્રિયો. અસલામ અલેકુમ સામે, હું નસીમ અખ્તર. સબને પહેલા તમના સારા ના ખુશ આમદીદ ક્યું જી આયા ના ક્યું, ઓર આપના મહેમાન નાત ખ્વા હઝરાત તોર ખવાતીન નામ ભી ખુશ આમદીદ કહેન ગે, નાલ નાલ શુક્રિયો ભી અદા કરું જે વે મારી ઇસ પુર નૂર મુબારક મહેફિલ કા હિસ્સો બન્યા. समीन, यो रमज़ान पागो मुबारक महीनो है और फिर हजूरे पाक की पाक पुरवकार महफिल को हिस्सों होनो भी बड़ी अजरो सवाब की गल है. बेशक या बड़ी मुबारक गल है जे अमना खुदा ने यो मुबारक माँ नसीब कियो और अपनी बख्शिशो मगफरत करवान को मौको दितो. तो समीन, ज्यादा ताखिर ना करते और थारी सारा की इजाजत संग हम चलांगा आज का पहला नात खुआ जनाब मोहम्मद असलम खटाना हो रंगी तरफ और उन्होंने इल्तमास करांगा कि वे अपनो नजराना अकीदत हजूरे पाक सरवरे कोनैन रौनक दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा औरंगी पाक बार बारगामा पेश करें जी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम. जितना भी सामीन महफिल में हाजिर हैं सबना अस्सलाम वालेकुम. तारिक इब्रार साहब, निकत जी, राजिया जी, डॉक्टर नजमा साहब, नसीम जी, मसूद चौधरी साहब और भी जितना भी सामीन है सब ना मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आओ तम ते हम सारा मिल गए आका इनामदार हबीब किबरिया अहमद मुईतबा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिमा दुरूद शरीफ को नजरानो पेश करा. मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी खैरिल खल्की कुल. खुदा के आका जुदाई न होती, खुदा के आका जुदाई न होती, मुहम्मद न होता खुदाई न होती, खुदा के वाका जुदाई न होती, मुहम्मद न होता खुदाई न होती, अर्श फरश रब काना बना तो, अरश फरश रब ना होती, खुदा के वाका जुदाई न होती, मुहम्मद न होता. नींद गफलत ते जगा जा मुस्तफा गे वास्ते, नींद गफलत ते जगा जा मुस्तफा गे वास्ते, आल अपनी गो यो सदको कर भला गे वास्ते, आल अपनी गो यो सदको कर भला गे वास्ते, तू है नूरी ऊ कसूरी दर आगे, तू है नूरी सूरी दर तेरे ऊ आगे, ओ पर चोली मोड़े ओ ते तू है वाली या नबी, बख्श दे तू लाल ना आल अपनी है तू फैल, बख्श दे तू लाल ना आल अपनी है तू फैल, जंगे हंदक ओद ते कर बला गे वास्ते, नींद गफलत ते जगा जा मुस्तफा गे वास्ते. मेरे वाल साहब ने एक रात लिखी थी गलिया तो लंगती आवे हर गलिया तो लंगती आवे हली मा,
मेरी दवा का दब है मेरा दार सोने ओ निगाह का दवेगी ये नुरानी ये लोरी गावे हलीमा मुहम्मद मुहम्मद बलावे हलीमा सलाई ये सुर मागी पर पर गलावे पंगूड़ा की डोर हलावे हलीमा। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नाक पाक तमने पेश की। ये था मोहम्मद असलम खटाना साहब। खुदा तमना मजीद नवाजे और तमना इसका अजर अता करे। बहुत शुक्रिया मोहतरम। सामीन, इनके बाद हम दावत देंगा डॉक्टर नजमा साहिबा वराना। सामीन, डॉक्टर नजमा एक अच्छी नात ख्वाह हैं और ये नातिया महफिल भी मुनक्कद करती रही, जिसको हिस्सों कई बार मैं खुद भी बनी हूँ। इस गल की हम डॉक्टर नजमा ना मुबारकबाद भी देंगा। और डॉक्टर नजमा, तमना बहुत इज्जत और एहतराम नाल तुम दावते सुखन दियूँ कि तुम अपनो नजराना यकीदत पेश करें। जी डॉक्टर नजमा। शुक्रिया नसीम बाजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मगफिरतुहु व अजरिन करीम। मैं चाहूंगी कि हम सबसे पहले दुरूद पाक का नजराना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका करोजा मदीने में है, मेरे आका करोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। अर्शे आजम में जिसकी बड़ी शान है, रोजाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, रोजाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्लान ही, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्लान ही, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है।
फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो। मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। मैं चाहूंगी सब दुआओं में शामिल हो जाएं। काश एक बार सरकार मुझसे कहे, काश एक बार सरकार हमसे कहे, आ तेरा जीना मरना मदीने में है, आ जी तेरा जीना मरना मदीने में है। सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, अब दो चश्मे तर इल्तजा है मेरी, उनकी फेह रिश्त में मेरा भी नाम हो। उनकी फेह रिश्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोजाना जाना मदीने में है, उनकी फेह रिश्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोजाना जाना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में नहीं, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत कलाम। सामिन, ये थी डॉक्टर नजमा जेडी के अपना नजराना अकीदत पेश कर रही थी। बहुत खूबसूरत मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया। सामिन, उन्हम अपनी आज की मेहमान की तरफ रुख करांगा। वे किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत खूबसूरत आवाज की मालिक हैं। आज तबीयत नासाज होने के बावजूद भी इस महफिल को हिस्सों बनी। बहुत बहुत खुश आमदीद मोहतरमा रजिया अशरफ वराना। दरख्वास्त करूंगी कि पाक बारगाहे रसूल माँ अपनों नजरानों पेश करें और अजर सवाब की हकदार बने इंशाल्लाह। जी रजिया अशरफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफों सबाना। वालेकुम असलाम। नसीम बाजी से तुमने फरमायो कि मेरी सेहत आज ठीक नहीं है, आवाज़ में भी थोड़ी खराबी है, तो चलो ठीक है, तुम सारा की नज़र उन्नत करना चाहूँगी। जी जी जरूर। जी ना तो थारे सामने पेश करने जा रही हैं, या इसराइल असर साहब और की लिखी है, जी पेश खिदमत है नात शरीफ। जी लो लाख कमालक सले अला जेड़ो ते मरादा मंगिया ना, लो लाख कमालक सले अला जेड़ो ते मरा
थारे सामने एक पंजाबी नात है जेडी जेड़ो कलाम गुलाम फरीद फरीदी साहब हरां को वो पेश करना चाहूंगी। जी जी जरूर। ओ मैया सोनिया मदीने वल जाके, ओ रैया सोनिया मदीने वल जाके, ओ मेरा भी सलाम आख दी, मेरा भी सलाम आख दें ओए सोने रोजे अगे सर नू झुका के, सोने रोजे अगे सर नू झुका के, ओ मेरा भी सलाम आख दें, मेरा भी सलाम आख दें। दिस पेणगे नजारे जदू नूर दे, दिस पेणगे नजारे जदू नूर दे, नेड़े जिस वेल होवेगा हजूर दे, दिस पेणगे नजारे जदू नूर दे, नेड़े जिस वेल होवेगा हजूर दे, जदू रोवेगा जदू रोवेगा जाली नू हथ लाके, ओ मेरा भी सलाम आख दी, मेरा भी सलाम आख दी, ओ रैया सोनिया मदीने वाले जाके, ओ मेरा भी सलाम आख दी, मेरा भी सलाम आख दी। उन्ना पत्थरा तो लोकी जिंद वार दे, उन्ना पत्थरा तो लोकी जिंद वार दे, जिन्ना चुमले नी पैर सरकार दे, उन्ना पत्थरा तो लोकी जिंद वार दे, जिन्ना चुमले नी पैर सरकार दे,
ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦੇ ਉਹ ਰਈਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦੇ ਓਏ ਸੋਹਣੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖ ਦੇ ਵਸਲਾਮ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, अंदाज़, अल्फाज, कलाम। खुदा तमना मज़ीद नवाज़े और जल्दी पूरी तरह सेहतियाब हो जाएं तम। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, खुदा तमना मतो नवाज़े और मज़ीद ज़रखेज़ियता करे थारी आवाज़ में। बहुत शुक्रिया सामिन, उन जिस आवाज़ ना दावत दें जा रही हूँ, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत प्यारी नात पाक पढ़ें। बहुत खुश आमदीद कहूँगी मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबाना जिड़ी के उधमपुर नाल ताल्लुक रखें। जी मोहतरमा, तुम अपनो खिराज अकीदत पेश करो। जी नसीम, नसीम बाजी उन्होंने नंबर पर कॉल चल लग रहा, तुम मोहम्मद अब्दाल साहब ना दावत दियो। जी जी बेहतर जी। तो सामीन, फिर हम चलांगा मोहम्मद अब्दाल साहब और अंगी तरफ के वे अपनो खिराज अकीदत पेश करें पाक और मुकद्दस बारगाह में। जी मोहम्मद अब्दाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। तारक भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने दोबारा मुद्दु किया मुझे यहाँ। तो मैं सबसे पहले नात के चंद अशआर स्टार्ट करूँ, उसके बाद फिर मुनाजात की तरफ आऊँगा, फिर मैं आपसे ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है के तेरे लब पे नहीं है तू चाहे तो
हर शब हो मिसाले शबे असरा, तो चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे असरा, तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है या रसूल अल्लाह, तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है, हर एक को मयसर कहाँ उस दर की गुलामी, हर एक को मयसर कहाँ उस दर की गुलामी, आ उस दर का तो दरबान भी जिबरील अमी है। और मक्ता दिलगिरी या कुना और नजर सूए मदीना, दिल गिरिया कुना और नजर सूए मदीना, आजम तेरा अंदाजे तलब कितना हसी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। और अभी रमज़ान शरीफ पास आखिरी लम्हात में हमारे हाथों से गुजर रहा है, तो वो मुनाजात में पेश करके आपसे रुख्सत चाहूँगा। कल्बे आशिक है अब पारा पारा, कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमजान, कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमजान, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और जोके इबादत बड़ा था, आहा अब दिल पे है गम का गलबा, हा गलबा, आहा अब दिल पे है गम का गलबा, अलवदा अलवदा माहे रमजान, जब गुजर जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा, जब गुजर जाएंगे माह 11
तेरी आमद का फिर शोर होगा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, क्या मेरी जिंदगी का भरोसा, अलविदा अलविदा माहे रमजान, बज़्मे इफ्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती, सब समा हो गया सूना सूना, हाँ सूना सब समा हो गया सूना सूना, अलविदा अलविदा माहे रमजान, वास्ता तुझको मीठे नबी का, वास्ता तुझको मीठे नबी का, हश्र में हमको मत भूल जाना, वास्ता तुझको मीठे नबी का, हश्र में हमको मत भूल जाना, रोजे महशर हमें बख्शवाना, बख्शवाना रोजे महशर हमें बख्शवाना, अलविदा अलविदा माहे रमजान, अलविदा अलविदा माहे रमजान, अलविदा अलविदा माहे रमजान। आप दुआओं में सभी खुसूस मुझे याद रखिए। जज़ाकअल्लाह खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थारी नात का अल्फाज दिल में उतर गया। अलविदा अलविदा माहे रमजान, बेशक बे सहरी गी रौनक वे इफ्तारी का एहतमाम, अमना बड़ा याद आना है। मेरा ख्याल में आज या कल को रोज़ भी हो सके, कल ईद भी हो सके। एक बार पहला ही एडवांस माँ मैं तुमने सारा ना ईद मुबारक भी क्यों, और खुदा हमने अगला रोज़ा माँ भी रमज़ान नसीब करे, अगला साल भी हमने रमज़ान नसीब करे, और हम अगला रमज़ान माँ भी अगला रोज़ा माँ भी इस तरह की महफिल जड़ी है मुनक्कद कर सका। खुदा करे कैसे हुए। तो सामिन, ये था मोहम्मद अब्दाल खान साहब जड़ा अपनी खूबसूरत आवाज़ माँ नात पाक पेश कर रहा था और हमने सुकून और तस्कीन अता कर रहा था। बहुत शुक्रिया मोहतरम, सलामत रहो आबाद रहो। और इसके नाल ही देख रही हूँ कि हमारे नाल बहुत मौजूद सामीन जुड़े हुए हैं और रौनक कता कर रहे हैं हमारी महफिल ना। उन देख पा रही हूँ सिकंदर हयात साहब था और जहांगीर असगर साहब हैं, सरवर चौहान साहब हैं, और भी जितनी भी बहुत मौजूद हस्ती हमारे नाल जुड़ी हैं। तारिक साहब हमारे नाल जुड़िया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। और जितना भी लोग जितना भी सामीन हमारे नाल जुड़िया हुए हैं वे चार चंद ला रहे हैं, रौनक बता रहे हैं महफिल की। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। उसके बाद हम चलांगा नसीम अख्तर साहिबा और आगे तरफ जेडी के उधमपुर नाल ताल्लुक रखें। जी नसीम साहिबा तामित मौजूद है, सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सारा ना। वालेकुम सलाम, अपनो तोहफो अपनो तियो पेश करो। जी हम तुम नात पाक सुनाऊंगी, मेरी नात पाक उर्दू में। जी जी बिल्कुल अता करो, बिल्कुल पेश करो। ज़मी महली नहीं होती
ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीन ही मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मुहम्मद के कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कम वो जज्बा है सुनो लोगों, मोहब्बत कमाल वाले की वो जज्बा है सुनो लोगों, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नबी के पाक लंगर पे जो पलते हैं कभी उनकी, नबी के पाक लंगर पे जो पलते हैं कभी उनकी, जुबां महली नहीं होती, सुखन मैला नहीं होता, जुबां महली नहीं होती, सुखन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नहीं दुखती कभी आंखें जो नामे मुस्तफा चूमे, नहीं दुखती कभी आंखें जो नामे मुस्तफा चूमे, पाले जो प्यार इनका वो तन मैला नहीं होता, पाले जो प्यार इनका वो तन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सामिन ये थी नसीम अख्तर जेड़े के उधमपुर संग ताल्लुक रखें, अपनी खूबसूरत तवाज नाल नवाज रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा, खुदा तमना मजीद नवाजे मजीद तरक्की दे। बहुत शुक्रिया कि तमने इतनी खूबसूरत नात पाक नाल अमना नवाजे हो।
सामीन मारे नाल शामिल हैं सज्जाद राणा साहब। सर तमना बहुत खुश आमदेद क्यों, बहुत शुक्रियो कि तम हमारी महफिल को हिस्सों बनिया। और सामीन हम अपना अगला नात ख्वां की तरफ रुजू करांगा। हमारे नाल शामिल हैं जनाब वकार सिद्दीकी साहब, हमारे नाल मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ का मालिक हैं। बहुत इज्जत और एहतराम नाल दावत पेश करूँ जनाब वकार सिद्दीकी होराना के वे अमना नाच शेप संग नवाजें। जी जनाब वकार सिद्दीकी साहब। जी वकार सिद्दीकी साहब तुम सुन पा रहे हैं? थारी माइक तो म्यूट है लेकिन थारी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आवे करे? जी जी इस वक्त आ रही है। मेरी आवाज आवे? जी जी आ रही है। वकार साहब तुम हमने नहीं सुन पा रहे? जी जी आवाज आ रही मेरी? जी थारी आवाज आ रही है। तमता करो नाचरीब। समीन हजरत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करूं कि तुम खैर वाफियत ना लेंगा। तारक भाई ने बहुत बहुत मुबारकबाद के जिन्होंने आज स्पेशल प्रोग्राम रखे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला माला ताला इस महफल ना कबूल और मंजूर फरमाए। हजरात आज हूँ थारे सामने पंजाबी कलाम लेके हाजिर हूँ। उम्मीद है कि तुम जरूर पसंद करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने दस्ता चलिए कि मेरी आवाज क्लियर आवे थारे तक? नहीं। जी जी बिल्कुल आ रही है। अल्लाहु सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। स्वाद सिद्दक यकीन देना आल दिलबर, दामन तू सादा मोल न छोड़ सामे, पीछे तुद दे हूँ मलंग में कूचे शहर बाजार नु लोड सामे, मितले के उड़ीक रफीक वाली दिलों चंग सुरंग नो ओ जोड़ समे, निजामुद्दीन वादा नाल दिल दे तार परीत दिक देना हो तोड़ समे। ते फिर मैं क्यों ना कहवा तेरा वस दारोवे, तेरा वस दारोवे दरबार मदीने वालड़िया, सदो कदमा विच सरकार, सदो कदमा विच सरकार मदीने वालड़िया, सदो कदमा विच सरकार, सदो कदमा विच सरकार मदीने वालड़िया, हिजर तेरे विच पे कर लावा सद लो कदमा दे विच आवा, हिजर तेरे विच पे कर लावा सद लो कदमा दे विच आवा, आके जिंदड़ी देवा आके जिंदड़ी देवा वार मदीने वालड़िया, सदो कदमा विच सरकार, सदो कदमा विच सरकार मदीने वालड़िया,
जिरदे विच है मुश्किल जीना हुन दिखलाओ शहर मदीना हुन मेरा भी सीना तार हुन मेरा भी सीना तार मदीने वालड़िया सदो कदमा विच सरकार सदो कदमा विच सरकार मदीने वालड़िया और असी तो कुछ नहीं मंगते सानू अपने रंग बिच रंग दे और असी तो कुछ नहीं मंगते सानू अपने रंग बिच रंग दे तेरी रहमत है दरकार तेरी रहमत है दरकार मदीने वालड़िया सदो कदमा विच सरकार सदो कदमा विच सरकार मदीने वालड़िया लगिया दिल आपन बालो हर सायल दे दुखड़े टालो मेरी बिगड़ी देओ सवार मेरी बिगड़ी देओ सवार मदीने वालड़िया सदो कदमा विच सरकार सदो कदमा विच सरकार मदीने वालड़िया वहदत दा इक जाम पिला दे मैनू मस्त अस्त बना दे जिन्नू पी के होव सरशार जिन्नू पी के होव सरशार मदीने वालड़िया सदो कदमा विच सरकार सदो कदमा विच सरकार मदीने वालड़िया वक्त नजाद पुल ना जावी सोने नूरी झलक दिखावी वक्त नजाद पुल ना जावी सोने नूरी झलक दिखावी होवे मरन वेले होवे मरन वेले दीदार मदीने वालड़िया होवे मरन वेले दीदार मदीने वालड़िया सदो कदमा विच सरकार सदो कदमा विच सरकार मदीने वालड़िया तेरा वसदा रोवे तेरा मसदा रोवे दरबार मदीने वालड़िया सदो कदमा विच सरकार सदो कदमा विच सरकार मदीने वालड़िया माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। सामीन ये था वकार सिद्दीकी साहब जेड़ा अपनी खूबसूरत आवाज संग नवाज रहा था और दरख्वास्त कर रहा था सरवरे दो आलम के हजूर के सदो कदमा बिच सरकार मदीने वालड़िया। बहुत खूबसूरत कलाम बहुत खूबसूरत आवाज बहुत शुक्रिया वकार सिद्दीकी साहब के तम इस महफिल में आया और हमने इतनी प्यारी नात पाक सुनाई बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। इसके बाद सामीन मारे नाल एक दो नातकों हजरात और भी था जेड़ा के शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह नाल जुड़ नहीं पा रहे हमारे नाल और हम इंतजार करांगा इंशाल्लाह अगर बीच में जुड़ जाएगा तो हम जरूर उनको भी हिस्सो लेंगे इसमें नसीम बाजी और जी जी नसीम बाजी अब्दुल गफार साहब इतना ही है तम उन्होंने दावत दियो
जी जी तारिक भाई, मैंने ना एक्चुअली नजर नहीं आ रहा, शायद कुछ खराबी है, कोई ग्लिच है। जी बिल्कुल, हम सामीन दावत दियांगा बहुत इज्जत और एहतराम नाल अब्दुल गफ्फार साहब और ना के वे आए और अपनो तोहफो हजरत कुनैन के हजूर पेश करें। जी अब्दुल गफ्फार साहब। मौजूद सामीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जनाब मेरी आवाज आया करे? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी सब तो पहला तारिक अबरार ऑफिशियल क्लब हाउस पर तशरीफ लाने वाला तमाम हजरात ना मेरी तरफ थी दिल की गहराइयां नाल माह रमजान का आखिरी अशरा का 29वां रोजा की बहुत बहुत मुबारक। जी जी आया करे आवाज जनाब? जी आ रही है सर। जी बिल्कुल आ रही। जी जी कोई नाद खान नहीं, छोटो जो इंसान आ लेकिन दिल में एक उस हस्ती की मोहब्बत है जिसकी खातिर अल्लाह ताला ने कुल दुनिया बनाई। ते वाराल उस पाक महफिल में शिरकत करन को मुंतजर हाँ जिसको कोई मुकाबलो नहीं। ते बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ अपना हम जमात दी तारिक इब्रार साहब को कि मैंने एक छोटा निमाना जहा इंसान ना थोड़ो इस महफिल में गुनगुनान को मौको फराम कियो। ते हूँ एक छोटी जी नाद थारी नज़र करूँगो। कालिया जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा ए सब नालू प्यारा ए दस किमें मुस्तफा दी केड़ी शाने आप दी तारीफ विच सारा ही जहाने पढ़ के देख तू जेड़ा मर्जी सपारा कसम खुदा दी मैनू सब नालू प्यारा ए करके अशारा सोना सूरज नू मोड़दा ए आप चन आपे जोड़दा बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा अशारा कसम खुदा दी मैनू सब नालू प्यारा एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया ही नहीं यार एहो जिया कोई रब ने बनाया ही नहीं दीद मेरे नबी दी है रब दा नजारा कसम खुदा दी मैनू सब नालू प्यारा देंदे ने गवाही जर्रे जर्रे कोहे तूर दे वेख देने नसीबां वाले जलवे हुजूर दे आमिना दा चंद हलीमा दा दुलारा ए
कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा है। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा है। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा है। कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा है। कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूबसूरत। ये था जनाब अब्दुल गफार साहब, जेड़ा के अपनी अकीदत को तोहफो हजूर पाक की हजूर पेश कर रहा था, और बेशक मारे रूना भी ठंडक बख्श रहा था। बहुत शुक्रिया मोहतरम, सलामत रहो, खुदा तमना बेशुमार नवाजे, और अगे भी तम इस राली महफिलों को हिस्सों बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सामिन ऑडियंस में जुनैरा साहिबा मौजूद हैं, जेडी के आज मारी मेहमानों को टीम को हिस्सों थी। जुनैरा, अगर तम सुन पा रही हैं और कोई ग्लिच है तो तम लीव करके एक बार फिर ज्वाइन करो। हम तमना साधो पेज रहे हैं, मगर तम ऊपर आ नहीं पा रही। अगर तम जी जी जुनैरा हमारे नाल है। जी जुनैरा, तम सुन पा रही हैं हम ना? जुनैरा, तारी तरफ कोई ग्लिच है, तम एक बार लीव करो और उसके बाद ज्वाइन करो। उसके बाद मेरा ख्याल में जो भी ग्लिच है वो ठीक हो जाएगा। सामिन, जुनैरा हमने नहीं सुन पा रही, जिस तरह वे हमारे नाल शामिल होंगी तो इंशाल्लाह मुनाना भी शामिल करांगा। उस वक्त तक एक बार मैं फिर अपना सामिन को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दी कि वे हमारे नाल बनिया हुआ है और हमारी महफिल ना रौनक बख्श रहे हैं, और आप भी सवाब का हकदार बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। इसके नाल ही इल्तमास भी करूंगी कि जे अजे तक तमने तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब ना फॉलो नहीं कितो है तो जरूर उसने फॉलो करो। उसके नाल नाल मारा मॉडरेटर्स और मारा नात ख्वा हजरात और जिरी भी हस्ती मारे नाल शामिल हैं, उन्होंने भी जरूर फॉलो करो, क्यों जे उसके नाल एक हौसला अफजाई हुआ है, और उसके नाल नाल एक और यो फायदा हुआ है कि जेड़ा भी मारा नात ख्वा हजरात किसी भी रूम में शिरकत करेंगा तो तमना उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, और हमनों भी आसान हो जाएगा तमनो नोटिफिकेशंस भेजनो मजीद प्रोग्राम्स की। तो जेड़ा हमारा नात ख्वा मेहमान है, ख्वातीन है, उन्होंने भी जरूर फॉलो करो, और तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब ना भी फॉलो करो। और जुनैरा इस वक्त भी हमारे नाल नहीं है मौजूद, शायद कोई नेटवर्क को ग्लिच है, और मैं दसना चाहूं कि तम अगर सामेन विचो अपना तासरात रखना चाहे तो हमने ऑडियंस को हैंड रेज को ऑप्शन खोल दिया है, ऑडियंस विचो अपना हैंड रेज कर गया, स्पीकर पैनल में आ गया, आज का प्रोग्राम का हवाला नाल अपनी गलबात रख सके। बहुत ही मौजूद शख्सियात मैं देख रही हूँ हमारा प्रोग्राम में तशरीफ फरमाए, सामेन सफ़े सामेन माँ मजरू साहब हैं, चौधरी सिकंदर हयात तारक साहब हैं, सजाद राणा साहब हैं, बहुत सरवर चौहान साहब हैं, कलसूम साहिब हैं, सफ़ीर साहब हैं, सलीमा साहिब हैं, मोहम्मद आरिफ साहब हैं, तमाम सामेन ते गुजारिश है कि अगर मैं अपना तासरात रखना चाहें तो अपना हैंड रेस करें, और मारे नाल जुनैरा साहिबा भी तशरीफ ला चुकी हैं, नसीबा जी तम उन्होंने दावत दियो। जी जी बिल्कुल, जुनैरा चौधरी मारे नाल शामिल हो चुकी हैं। जुनैरा चौधरी औरांगी बहुत ही खूबसूरत आवाज हैं, बहुत खूबसूरत नात पढ़े, और मैं जिस वक्त भी नाना सुनूं ते सरशार हो जाऊं इतनी खूबसूरत नात पाके ये पढ़े। बहुत इज्जत और एहतराम नाल जुनैरा हम तम ना दावत सुखन दिया, तम अपनी नात अदा करो। जी जुनैरा। जी जुनैरा अनम्यूट करो अपनी माइक ना, तांजी तम थारी आवाज आएगी हमने।
जी या सज्जी साइड पर, बॉटम वर, फोन का बॉटम वर सज्जी साइड पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आपकी आवाज आ रही है। मैं आपके सामने एक नाज शरीफ पढ़ने जा रही हूँ जो मेरी बड़ी ही पसंदीदा है, और कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अल्लाह करे कि ठीक चले आगे, बीच बीच में थोड़ा सा मुश्किल दिक्कत आ रहा है। चले जी जी दूर से अल्लाह बता दे। हाँ जी, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, सर उनके कदमों में रख के, सर उनके कदमों में रख के झुक के जीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, गुम देख जरा के साए में बैठ के तुम तो आए हो, गुमदे सहरा गुम देखो सरा के साए में बैठ के तुम तो आए हो, उस साए में रब के आगे, उस साए में रब के आगे सजदा करना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है, देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है, आँखों को जो ठंडक बख्शे, आँखों को जो ठंडक बख्शे, घूम दे खसरा ऐसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है, दिल आंखें और रूह तुम्हारी लगती है सैराब मुझे, दिल आंखें और रूह तुम्हारी लगती है से राब मुझे, दर पे उनके बैठ के, दर पे उनके बैठ के आबे जमजम पीना कैसा है, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है, मैं भी चूम के आ जाया हूँ उन महकती गलियों से, मैं भी चूम के आ जाया हूँ उन महकती गलियों को, जो कुछ देखा उन गलियों में, जो कुछ देखा उन गलियों में
कहीं ना देखा ऐसा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। देख के जिसको जी नहीं भरता शहर मदीना ऐसा है। हम मेहमान बने थे उनके, हम मेहमान बने थे उनके, अर्श पे जो मेहमान हुए। हम मेहमान बने थे उनके, अर्श पे जो मेहमान हुए। क्यों ना किस्मत नाजा हो, क्यों ना किस्मत हो नाजा, जिनके आका ऐसे हैं। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। मिंबर पाक रसूल भी देखा, देखा खास मसल्ला भी। मिंबरे पाके रसूल भी देखा, देखा खास मुसल्ला भी। हर मशरीफ का हर एक मंजर, हर मशरीफ का हर एक मंजर, नजर में जचता सारा है। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। सर उनके कदमों में रख के झुक कर जीना कैसा है। देख के जिसको जी नहीं बरता शहर मदीना ऐसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। सामिन, ये थी जुनैरा चौधरी साहिबा। बहुत खूबसूरत आवाज, अंदाज और कलाम भी माशाल्लाह। खुदा मजीद नवाजे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और नेट ग्लिच के बावजूद भी आपने पूरी कोशिश की और शामिल हुई हमारे साथ। किसी ने खूब कहा है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुनैरा चौधरी साहिबा कि आप शामिल हुई और इस महफिल का हिस्सा बनी। बहुत शुक्रिया। तो सामीन, नात पाक पेश कर रही थी जुनैरा चौधरी साहिबा, बहुत खूब पढ़ रही थी। और प्रोग्राम अपना इख्तिताम की तरफ है और हम अपना दूसरा सेशन में तासरात की तरफ चलांगा। सबसे पहले हूँ अपना मौजूद टीम मेंबर जनाब मसूद चौधरी साहिब राना दरख्वास्त करूँगी कि वे कुछ फरमा में भी कुछ अपना ख्याल पेश करें। जी मसूद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम बाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे नाल माशाल्लाह आज की इस महफिल में बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी। कुछ खैर चला गया उन, लेकिन इस वेले भी देख रहे हैं कि चौधरी सिकंदर हयात तारिक साहब हमारे नाल मौजूद हैं, सज्जाद राना हकला साहब मौजूद हैं, कुलसूम बाजीत मौजूद हैं और मजरू साहब हमारे नाल मौजूद हैं। तो अज की हमारी बड़ी बाबरकत महफल जी नातिया महफल थी माशाल्लाह। जितना भी नात खवान ने इसमें हिस्सों लियो, एक तो बद गए, एक सारा नहीं, कलाम भी बहुत अच्छा पेश किया और माशाल्लाह आवाज भी सारा की बहुत ही सुरीली थी। और जिस तरह आज रमजान उल मुबारक की जड़ी खसूसी नशरियात को सिलसिलो हमारो चल रहे हो, तो उसको यो आखिरी प्रोग्राम थो, क्योंकि उन रमजान उल मुबारक अपने तमाम रहमतों ते बरकतों ने समेट गए हमारे को अलविदा हो रहे हुए। तो यह बड़ी सादत और खुशनसीबी की गल है कि अल्लाह पाक ने हम सब ना इस सोनी ते बाबरकत नात या महफल को हिस्सों बन की तौफीक अता फरमाई। क्योंकि वैसे तो बहुत सारा लोग हैं कि जिनकी आवाज़ भी बड़ी सुरीली है और बड़ी बड़ी सलाहियत भी रखे हैं अशार लिखन की कहन की, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल की शान माँ कुछ कहनों या लिखनों यो सिर्फ और सिर्फ वही कर सके कि जिसना अल्लाह ताला इस कम वस्ते कबूल करे। और इस वास्ते अल्लाह पाक को जितनों भी शुक्र अदा कियो जाए वो काट है।
और आज की इस महफिल नात मां जितना भी नात खवान ने गुलाए कीदत पेश किया खुद भी सवाब का अख्तार बनया ते हम सारा ना भी अजरो सवाब ते अल्लाह की रहमतां ते बरकतां हासिल करने को मौको मिलियो। हम सारा ही नात खवान हजरात का नहायत ही मशकूर ते ममनून आ। अल्लाह पाक तो दुआ है कि हम सब ना जी जी मसूद भाई थारी आवाज नहीं आ रही। आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही है जी। तो हम सारा ही नात खवान हजरात का नहायत ही मशकूर ते ममनून आ। अल्लाह पाक तो दुआ है कि हम सब ना हम सब की चोली अजर सवाब तू परे और रमजान मुबारक का इस बाबरकत महीना की जितनी भी हमारी टूटी फूटी इबादत हम कर सकिया या जेड़ा भी कुछ नेक काम हमने किया अल्लाह पाक अपने रहमत का सदका मा उन्होंने शर्फ कबूलियत अदा करे। और अगर मारे को रमजान करीम को हक अदा नहीं हो सको और हम इसकी कदर नहीं जान सकिया तो अल्लाह ताला की जात गफूर रहीम है अपने रहमत का तोफैल अल्लाह पाक हम सब ना माफ करे तो आइंदा हमने तोफीक अता करे कि हम नेक अमल कर सकें। रमजान बेशक मारे को अलविदा हो रहे हो लेकिन नेकियां को जो सिलसिलो है ना वो बंद नहीं हो और आमना यू रमजान तू बगैर भी सारो साल जारी रखनू है ते अल्लाह पाक हम सब ना इसकी तौफीक अता करे। और इसका नाल नाल सब ना मेरी तरफू ईद की पेशकी मुबारक और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्रामा को सिलसिलो भी हसबे साबक चलतो रहगो ते तम सारा तू गुजारिश है कि तम आइंदा भी मारा प्रोग्रामा में शामिल हो गए मारी हौसला अफजाई करता रहियो। बहुत बहुत शुक्रियो सारा को जितना भी हजरात ने अज गो मारो प्रोग्राम सुनियो और जितना भी नात खवान हजरात मारे नाल मौजूद था सब को तहे दिल तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद भाई। बेशक तुमने बड़ी अच्छी गल कही कि ये जेड़ा सिलसिला हमने शुरू किए हैं वे एक दूसरा की मदद गाएं या इबादत गाएं या दूसरा जो भी अच्छा सिलसिला इसमें शुरू किया गया है उन्होंने रोकना नहीं चाहिए उन्होंने जारी रहना चाहिए और इंशाल्लाह खुदा ना उनको अजर व सवाब भी देगा। बहुत शुक्रिया मसूद साहब। और सामीन उसके बाद हमारा मौजूद टीम मेंबर हैं इल्ताफ निजामी साहब हम उनते भी दरख्वास्त करांगा कि वे भी अपना कोई तासरात अपना ख्यालात हमारे सामने रखें और साझा करें। जी इल्ताफ साहब। जी मोहतरमा नसीम साहिबा बहुत शुक्रिया बिल्कुल उस प्रोग्राम का जड़ा ऑर्गेनाइजर है तारिक अवरार साहब इस तरह की खूबसूरत नातकिया मजलिस का इनाकाद वास्ते उन्होंने और हम सारा ने जरा टीम का मेंबर उन्होंने मुबारकबाद और उन तमाम शुरका को बहुत बहुत शुक्रियो जरा अपन कीमती वेलो कट गए इस नेक साता में नेक कड़िया में शामिल रहा। दरअसल तमने जिस तरह बड़ो खूबसूरत यो जुमलो फरमायो के नात गो और हमद गो मुकाम ऐसो है के इसमें लिखण नाली बारहा कोशिश ते बेश बहा तबा आजमाई कर गए आखिर वर यही क्यों के बात खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर ते वाकतन इसको जो फ्रीजो है वो कोई भी पूरा नहीं कर सके और ना ही अल्फाज को जामू पहनाए जा सके इस अकीदत ना। बहरहाल जित तक नात गुनगुनान को सवाल है तो शायर जिस वक्त कलाम लिख छोड़ा है अगे जड़ा नात खवान है नात पढ़ने वाला जड़ा अपनी सुरीली आवाज के नाल नात ना एक पैरायो एक अपनी खूबसूरत आवाज को जामू पहनावी वो बड़ो एक आला मुकाम है और बड़ो कठिन मरहलो आई हो। दरअसल नात जड़े गुनगुनान को मसलो है यो एहसासात के नाल जुड़े भी है यो जज्बात के नाल जुड़े भी है और गुलुकार जितनी ज्यादा अकीदत के नाल जितनी ज्यादा रूहानियत के नाल जितनी ज्यादा अकीदत जज्बा के नाल नात पेश करे उसमें उतनो हुस्न उतनो ही जायको उतनो लुत्फ पैदा हो जाए। मैंने उम्मीद है कि आइंदा भी जड़ा मारा नात पानी वे गोजरी नात को जड़ो यो सिलसिलो है इतना भी ज्यादा है ज्यादा तकलीत बखेंगा क्योंकि गोजरी नात को हल्को जड़ो है वो लिखण नाला नहीं बेशुमार लिखे हुए
मारा जरा नाथ खान है वे इस तरफ बड़ा काटा है और नाथ को जखीरो बड़ो काटा है गोजरी नाता हूँ गोजरी हम गोजरी नाथ इस सिलसिला में मेरी खुसूसन गुजारिश रहेगी मारा जड़ा भी गुलकार हजरात हैं या खवातीन जिनी बेहतरीन गा रही हैं वे अपने खूबसूरत आवाज के नाल एक अपने फन को मुजाहिर करें और दुई स्वाब की नीयत के नाल भी इसने अपना सामीन वास्ते अपने नाजरीन वास्ते पेश करे करें तो ज्यादा कुछ न कहता वहाँ दूजी यह गल है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जरा इमला जी अदायगी है उसमें दुरुस्तगी रहनी चाहिए क्योंकि नात को मसलो है इसमें जेर जबर ऊपर लिया लफ्ज जो मानी बदलनी तो इस वास्ते भी और कोशिश करनी चाहिए कि जब किसी खसूसी किसी जुबान को अगर प्रोग्राम हो रहा है तो उसे में ही उसे जुबान में ही वे नात जी वे पेश कीजिए कदम पंजाबी में है तो पंजाबी उर्दू है तो उर्दू गोजरी है तो गोजरी या और किसी जुबान में है तो उसे जुबान में आइंदा इस चीज़ को भी मिना लगे कि हमारा जरा फनकार ही ख्याल रखेगा चूंकि बिल्कुल जाहिरी तौर पर इस प्रोग्राम को ना जड़ो है वो तो हम देख सकें कि कैप्शन में के सटे हुई है तो तम सारा खवातीन हजरात शामिल होया अपनी कीमती वेलो कड्यो और शहादत की कड़ी और इसमें तमने स्वाबिदारैन खूब बटोरिया इस वास्ते तम मुबारकबाद का मुस्तहिक है और हमारा इस पेज के नाल तारिक कबरारा ऑफिशियल के नाल तम हमेशा जुड़े नहीं इसके नाल आए दिन तम जड़ा ही वे इसको इजाफो होते जा रहे हो और यो एक आलमी सतह पर हमारा वैसे फख्र वाली गल है कि इस यूएस तो पहलो गोजरी पेज है जो तमाम तर जड़ी गोजरी की जी जबान है अदब है कल्चर सकाफत सारी चीज़ा ना पेश कर रहे हो और आलमी सतह पर पेश कर रहे हो जिसमें काई बाउंड्री काई हदूद जी है वह इस वास्तव नहीं और मुख्तलिफ जगह जगह मुख्तलिफ मुल्क दियो लोग जड़ा वे इसमें शिरकत करें और हिंदुस्तान भर दियो मुख्तलिफ रियासतों के लोग शिरकत करें उन थारा सारा एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया करूँ और तारिक अबरार ऑफिशियल ना हम लाइक करे रखो और इसना अपना मजीद जरा दोस्तों अहबाब भी उनके शेयर करे रखो ताकि वे भी इस तरह की मजलसा दियो मुस्तफीद हो सकें अस्सलाम वालेकुम जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ निज़ामी साहब मैंने उम्मीद है कि थारी दरख्वास्त पर मारा नात ख्वां हजरात ज़रूर अमल करेंगा और मज़ीद गोजरी माँ गोजरी ज़ुबान माँ ज़्यादा से ज़्यादा कलाम याद करेंगा पढ़ेंगा अता करेंगा इंशाल्लाह और उसके बाद हम फिर अपनी टीम मेंबर्स की तरफ मुड़ांगा लेकिन उनते पहला हमारे नाल ने निसार सुल्तानी साहब हम इनके नाल गलबात करांगा और सामीन तम भी अगर चाहें ते अपनो हैंड रेज कर गए हमारा पैनल में आ सकें और अपना तासरात रख सकें जी निसार सुल्तानी साहब अस्सलाम वालेकुम तम अपना तासरात अपना ख्यालात अपनी गलबात रखो जी निसार सुल्तानी साहब तम सुन पा रहे हैं हमनो जी तुम सुन पा रहे हैं तो अपनी माइक ना अनम्यूट करो जी जी कोई ग्लिच है शायद जिसकी वजह से ऑडियंस पैनल में चला गया है उनसे गुजारिश है मैं ज्वाइन है स्पीकर का बटन पर क्लिक कर गए दोबारा तो स्पीकर पैनल में आ जाएं मौलाना सुल्तान निसार सुल्तानी साहब जी हाजिर जी आ गए हैं क्लब हाउस में कई बार ऐसा हो जाए कि इसमें माइक अनम्यूट करना ओखो हो जाए यही दिक्कत उन्हें ना आ रही है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी जी वालेकुम अस्सलाम कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी जी जी आ रही है आवाज तुम कोशिश करो जी आवाज आ रही है मेरी क्या करें तुम जी जी आ रही है बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी खूबसूरत महफिल थी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए आमीन और आखिरी कड़ी है अल्लाह दरगाह दुआओं के अल्लाह कोशिश ये बाकी
دیگر صدقات و عطیات اللہ کی راہ میں پیش کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. نعت خوانی کو جی تک تعلق ہے، اس حوالہ نال صرف ایک گل عرض کروں گا کہ اس تو بڑا اعزاز کی گل اور کیا ہو سکے کہ نعت سننا جڑا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے مسجد نبوی کے اندر ممبر بچھا گئے، اور انہوں نے ممبر پر بٹھائے اور خود مسجد کی زمین پر فرش پر بیٹھ کے جڑو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت سنی ہے. لہذا نعت خوانی جڑی ہے بڑی فضیلت، اور میں گزارش کروں گا کہ پڑھنے والا نہ بھی اور سننے والا واسطے بھی کہ جب بھی نعت خوانی میں کوشش یہ کرنی کہ باوضو اور با ادب طریقہ نال اور پوری توجہ نال، کیونکہ نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ سننا دراصل عادت ہے. نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، قرآن کریم میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو توصیف کی ہے. پورا پروگرام تو نہیں سن سکے ہو، سارا نہ نہیں سن پائے، بہرحال جنہوں نے بھی اور جنہوں کی میں سنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، بڑی مسحور کو نواز اور بڑا دلکش انداز میں انہوں نے نعت خوانی پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ مزید برکت عطا فرمائے. آخر میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان کریم جڑو مارے تو رخصت ہو رہے ہیں، یہ اس کا آخری لمحات ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصیت کے نال دعا اور توبہ و استغفار وہ اہتمام کی ہو جائے، اور خاص کر جڑی آخری رات جس نام چاند رات کا لیلۃ الجائزہ اس نے کیا ہوا ہے، جس نے ہم بڑی لاپرواہی اور بڑی سستی کے اندر گزار ہونا، وہ انعام کی رات ہے. پورا مہینہ کی جڑی کمائی وصول ہونی ہے وہ اسی رات میں ہے، اس رات بھی کوشش کرنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کی ہو جائے. اور دعا کروں گا مختصر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ پاک تمہارا سارا کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، جو بھی ہم نے عبادات اور طاعات کی اپنا فضل و کرم کے نال، اپنا فضل و رحمت کے نال، تو ہمارا روزانہ نماز تراوی، قرآن کریم کی تلاوت سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور پھر مبارکباد پیش کروں طارق ابرار صاحب ان کی پوری ٹیم نہ، کہ بڑا خوبصورت پروگرام تم چلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ صاحب اپنا خصوصی فضل و رحمت فرمائے. والسلام. جی جی، بہت شکریہ نثار سلطانی صاحب، تم نے بہت اچھی بہت سونی گل سنائی، بہت سونی گل بات کی، اور کچھ بہت ضروری نقطہ کی طرف مارو رجحان کیو، جس طرف شاید ماری سوچ بھی نہیں تھی. بہت بہت شکریہ. اور سامعین، تم نے سارا نام بھی التماس ہے کہ یہ جڑو تھوڑو وقت مارے کو لے رہ گیا ہے، زیادہ وقت نکل چکی ہے، اس نہ ضرور بہت اچھا طریقہ نال استعمال کرنا چاہیے، اور اپنی عبادات ماں اپنی دعا ماں امنا بھی ضرور یاد رکھو کہ پتو کس کی زبان تے نکلی کیڑی دعا قبول ہو جائے، مبارک ہو جائے. اور اپنے نال نال اپنا تمام پیارا نا، اپنا بزرگا نا، بچہ نا، اپنی قوم نا، اپنا ملک نا، سارا نا یاد رکھو اپنی دعا ماما. بہت شکریہ. اور ہمارے نال عبد المجید صاحب ہیں، ہمارے ٹیم ممبر ہیں، ان چاہوں تھی وہ بھی اپنا کوئی تاثرات اپنا خیالات پیش کرتا، لیکن ان کی طرف کوئی نیٹ کو گلچ ہے جس کی وجہ نال وہ نہیں بول پائیں گا، میسج میں انہوں نے سنائے ہوئے. اور ہمارا پروگرام اس وقت اختتام کی طرف چل رہا ہے، تو اس خدا اس پاک محفل کی برکتاں سنگامنا نوازے، یا دعا کروں اور جڑی کمی غلطی کوتاہی رہی خدا بڑو رحیم ہے کریم ہے امنا معاف کرے، اور سامعین انشاءاللہ تم بھی غلطی کوتاہی معاف کریں گا،
और इसके बाद तारिक साहब और आना दरख्वास्त करूंगी कि वे शुक्रिया अदा करें अपना तमाम मेहमान और जितना भी हजरात मौजूद हैं। जी तारिक साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया और नसीम बाजी, वाकई अल्लाह ताला जिसना मौको दे है, तौफीक दे है, वही अल्लाह पाक की तौफीक नाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अपना नजराना अकीदत पेश कर सकें। आज की महफिल में जितना भी नात हूँ हजरात तशरीफ फरमा था, अल्लाह ताला ने उन्होंने 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 तौफीक बख्शी और उन्होंने यो काम लियो। अल्लाह ताला ते दुआ है कि तमाम जड़ी मारी लग्जिश हैं कोताही हैं इनके बावजूद हमारी हमारा इस अमल ना कबू शर्फ कबूलियत बख्शा है। ये रमज़ान को महीनो है तो रमज़ान में एक नेकी 70 नेकियों के बराबर हुआ है तो हमने कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान ते बाद भी अपनी ज़िंदगी में हमें नेकियों को जिस सिलसिलो जड़ो है नेक अमल करने की जड़ी है कोशिश भी जारी रखनी है। तो हमने रमज़ान नशरियात सिलसिलो चलायो जिसमें हमने लगभग यो पंजवा प्रोग्राम है तो आखिरी प्रोग्राम है रमज़ान नशरियात को। इसके बाद हम अपना प्रोग्राम को शेड्यूल दोबारा ते शाम के वेला करांगा तो गोजरी जबान वास्ते जितनों हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं उस वास्ते अल्लाह ताला हम सब ने तौफीक दे और सामीन ने बहुत साथ दितो है, हमारो टीम मेंबर्स ने बहुत साथ दितो है, बहुत अच्छा नेक मशवरा भी हमने आता रहे और बेहतर तो बेहतर प्रोग्राम करने की हम कोशिश करा, उसमें कमी रहनो जड़ो है इंसानी जड़ो है उस इंसानियत को तकाजो है। तो आज मैं तमाम नात खां हजरात जिनामा शामिल रजिया अशरफ साहिबा, डॉक्टर नजमा अख्तर साहिबा, वकार सदीकी साहब, नसीम अख्तर साहिबा, जुनेरा साहिबा, अब्दुल गफार साहब और भी जितना सामीन और नात खां इत तशरीफ लाया, सिकंदर हया, तारक साहब, मजरू साहब, सलीमा साहिबा, कुलसूम साहिबा, सजाद राणा साहब, रिजवाना साहिब साहिबा, सलीमा चौधरी साहिबा, साजिदा साहिबा, सफ़ीर साहब, शौकत अली और दूजा जितना भी सामीन इस प्लेटफॉर्म पर आया और उन्होंने प्रोग्राम सुनियो और हमने तावन देतो और हमारी हौसला अफजाई की, तमाम टीम मेंबर्स ने जिन्होंने तासरात पेश किया, मसूद आवान साहब, अल्ताफ निज़ामी साहब, इसके अलावा अब्दुल मजीद साहब था हमारे नाल, निसार सुल्तानी साहब, तमाम साथियों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि थारी जड़ी काविश है उन प्रोग्राम में जुड़न की उन्होंने बदौलत यो प्रोग्राम चल रहे है और नेक मशवरा नाल और बेहतरीन कोशिश है हमारी कि बेहतरीन तो बेहतरीन जड़ी है शख्सियात इस प्रोग्राम में मां तशरीफ लियावें और पूरी गुजर कौम जड़ी है जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान और बाकी दूजा मुल्कों तक भी अपनी जड़ी गोजरी जबान की तरक्की को दायर हुआ है और वसी करे और एक मुतहद हो गया अपनी जबान और कल्चर और सकाफत वास्ते काम करा और इसमें हमने इस्लामी लेक्चर्स को सिलसिलो शुरू किया हुआ है वो नातों को महफलों को सिलसिलो मुशायरों को सिलसिलो और गोजरी मा लेक्चर्स को सिलसिलो उलमा कराम जरा तशरीफ लावे इसने पहला भी बहुत उमदा लेक्चर्स होया तो ये सिलसिलो आइंदा भी जारी रहेगा। तो उम्मीद करा कि तम दुआ फरमावेगा कि इंशाल्लाह हम आइंदा भी इसी तरह तावन देता रहेंगे और यो प्रोग्राम इसी तरह जारी व सारी रहे। तो आज को प्रोग्राम हम इतना ही इख्तिताम पजामा, अल्लाह ताला हमनो सुनन ते ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अलविदा रमज़ान और यो ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद पेश करा एडवांस में। तो जित रहे में तम आबाद रहे में खुश रहें और सदा अपनों भी ख्याल रखें और दूजा को भी ख्याल रखें जिन्हों कोई ख्याल रखना लो नहीं खास तौर पर अपना पड़ोसियों को ख्याल रखें। तो आज को प्रोग्राम इतना अख्तदाम थोड़ी पजावा तो तमाम साथियों तो लिया इजाज़त इंशाल्लाह
हम डिसाइड कर गए किसी दिन मारो जो अगलो प्रोग्राम है किस दिन हो इस बारे भी हम इतला करांगा तो इंशाल्लाह अगलो प्रोग्राम लेकर थारी खिदमत में हाजिर रहांगा। नसीम अख्तर साहिबा थारो बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत उमदा तरीका निजामत संभाल ली और तुम बहुत बासलाहियत हैं और तुमने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां बहुत उमदा तरीका निभायो है, तह दिल ते थारो भी शुक्रियो। तो हूँ सारा तो इजाजत लिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।